वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए देख लेते हैं, बहुत ही छोटी सी रीडिंग है, यानी कि ये रीडिंग बहुत छोटी रहने वाली है। तो पहला मैसेज है आपके लिए गॉडेस का, लाइट एट्रीब्यूट है इसके। द फेमिनाइन एक्सप्रेस थ्रू विजडम नेचर लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म। तो ये कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं आपकी एनर्जीज में, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं या लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ चल रहे हैं, तो ये आपकी विजडम की, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करता है। अगर शेडो एट्रीब्यूट्स में है कोई आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको डिस्टर्ब किया जा सके, या फिर आपकी गॉडेस एनर्जी का कोई मिसयूज कर सके या उसे एक्सप्लॉयट कर सके और उसको विकृत कर सके, उसको खराब कर सके। तो ये रीडिंग बहुत छोटी रहने वाली है, ठीक है, उसी हिसाब से देखना है। अनसर्टेनिटी आपके लिए आ सके कि आप सही एनर्जीज में हैं भी या नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि डेफिनेटली एनर्जीज को कंज्यूर करने वाला, यानी कि एनर्जीज जगाने वाला या जगाने वाली एंटिटीज जगाने वाला या जगाने वाली एनर्जीज से आता है या आती है, यानी कि ये वो इंसान है जो स्पिरिट्स के साथ में काम करता है या करती है। ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज में या आपके घर में इस तरह की एनर्जीज या घोस्ट की एनर्जीज, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, घोस्ट की एनर्जीज या फिर स्पिरिट की एनर्जीज भेज रहा है या भेज रही है, ताकि किसी तरीके से ये आपकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सके या उसको आपके साथ अटैच करके आपकी वो एनर्जीज ले सके जो पवित्रता की एनर्जी से आती हैं या जो प्योरिटी की एनर्जी से आती हैं। तो आपको बिल्कुल भी अपने माइंड को किसी भी तरह से सेक्सुअली इस तरह की बातों में, इस तरह की एनर्जीज में आपको नहीं डालना है, अपने आप को रोक कर रखना है। अगर आप मेरी रीडिंग्स में पिछले काफी वक्त से यही सुन रहे हैं कि इस तरह की एनर्जी, सेक्स मैजिक की एनर्जीज, रिचुअल्स की एनर्जीज आ रही हैं बार बार, तो याद रखिएगा ये एक ऐसी चीज है, यानी कि आपको काम, जैसे कि कुछ भावनाएं होती हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, है ना, अहंकार, इनमें डालकर ही आपको बर्बाद किया जा सकता है। तो काम वाली जो एनर्जीज होती हैं या इस तरह की एनर्जीज जहां पर आप रोमांटिकली या सिडक्टिव एनर्जीज में होते हैं, इरोटिक एनर्जीज में होते हैं, उसमें डालना बहुत, उसमें बहकाना बहुत आसान होता है। सरल शब्दों में कहूँ, आपका ब्रह्मचर्य या फिर आपका ब्रह्मचर्य तोड़ना बहुत आसान होता है, या फिर आपको आपकी राह से भटकाना बहुत आसान होता है। तो मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में कि ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता, जिसके साथ नहीं होता उसके साथ नहीं होता, अदरवाइज बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। अपने हिसाब से जो चीज़ें रेजोनेट हों उनको लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी से कोई इस तरह की एनर्जी अटैच करके, किसी स्पिरिट को अटैच करके कुछ ऐसी एनर्जीज को खींचना चाहता है या चाहती है, जिस जो कि वो अपनी एनर्जीज में दिखा सके, या फिर कोई इंसान आपकी एनर्जीज को खींचकर किसी और को मैनिपुलेट करना चाहता है या चाहती है, या अपने साथ कनेक्ट करना चाहता है या चाहती है, और वो भी रोमांटिकली, क्योंकि ये शेडो साइड का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फीमेल है, ऑलरेडी दो फीमेल है, जो किसी मेल को यहाँ पे कोई फीमेल सिडक्टिव एनर्जीज में या फिर रोमांटिक एनर्जीज में या इरोटिक एनर्जीज में ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आपके साथ किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में स्प्रिट को अटैच करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो आपकी एनर्जी से एनर्जीज को चुरा सके और अपनी एनर्जीज में दिखाकर इस इंसान को अपने साथ में बांध सके, या फिर इस इंसान को अपने प्राइवेट एजेंडाज के लिए यूज कर सके, यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्ड मैजिकल है जो कि रिवर्स में है, पेसिमिज्म, डिप्रेशन एंड डिसबिलीफ इन मिरेकल्स, बिलीविंग दैट एनर्जीज एंड एक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। तो ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर से आ रहा है इस इंसान के। ये इंसान अपनी पोटेंशियल को तो नहीं ही देख रहा है, ना ही इसे अपनी पवित्रता पे विश्वास है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोटेक्ट करना चाहता है, ताकि अब आप देख लीजिए इस पिक्चर को, ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, ताकि आप इस पिक्चर की एनर्जीज में रहें और आप बस यही दिखाएं दुनिया को, इसी एनर्जीज में आप रहें, या फिर आप इस तरह के थॉट्स में रहें, जिससे कि ये इंसान, चाहे ये मेल है या फीमेल, आपकी एनर्जीज को खींच सके या फिर आपकी एनर्जीज के साथ में किसी स्पिरिट्स को या खुद को अटैच कर सके।
इस इंसान के मन में ये है ही नहीं कि एक्शंस या कुछ काम करने जरूरी होते हैं, इस इंसान के मन में जो है शॉर्टकट्स हैं जो कि ये आपकी एनर्जीज में लेना चाहता है या लेना चाहती है, ये देना चाहता है या देना चाहती है। तो जैसे कि मैंने कहा ये रीडिंग बहुत बड़ी नहीं होगी। बॉटम ऑफ द डेक है इसके नीचे का डिटेक्टिव का। शैडो एट्रीब्यूट्स ही हैं इसके, वॉवेरिज्म और फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली ये इंसान आपकी चीज़ों का, क्योंकि ये कार्ड भी वॉवेरिज्म का, मैंने ये लास्ट जो बड़ी रीडिंग्स हैं उनमें भी ये मैसेज आया है, ये कार्ड आया है। ये कार्ड क्लियरली उस एनर्जी को बता रहा है जहां पर कोई इस तरह की एनर्जीज को यूज करता है या करती है, जिससे कि वो अपने आप को एंटरटेन करता है या करती है। ज्यादा क्या कहें, इस रीडिंग में वॉवेरिज्म आप खुद ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि किसी को नेकेड देखना, किसी की सेंसुअलिटी को देखना, किसी की पवित्रता को देखना या उसकी एनर्जी में तांग झांग करना। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी एनर्जी में तांग झांग कर रहा है या कर रही है या करवा रहा है या करवा रही है, क्योंकि इस इंसान को बिल्कुल भी अपने ऊपर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस इंसान को शॉर्टकट चाहिए और वो शॉर्टकट आपकी एनर्जी पर लीच करके आता है। सेटअप मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, तो इस इंसान ने किसी और इंसान के लिए या आपके लिए किसी तरह के मैजिक को सेटअप किया है ताकि आपको किसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाया जा सके या फिर आपकी एनर्जीज को लीच किया जा सके। व्हेन दे आर डिगिंग इन योर सबकॉन्शियस, आई वॉज देयर, आई एम देयर वॉचिंग एवरीथिंग। तो गॉड का इंटरफेरेंस है आपकी एनर्जीज में, यानी कि गॉड सब देख रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए, रीडिंग छोटी रहेगी, फिर अगेन याद दिला रही हूँ। यू आर नॉट इन योर होम, बिट्रेड यू विद अ पर्सन यू लेट इन द होम। ये आपका घर हो सकता है कि बिक गया हो या बिक रहा हो, या इस इंसान का घर बिक रहा हो या किसी तरह की बिक्री हो रही हो इनके घर में। इस इंसान ने आपको किसी ऐसे इंसान के साथ धोखा दिया है जिसको आप अपने घर में लाए थे या आपने जगह दी थी या आपने घर में अपने बुलाया था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे बी आपने जिस इंसान को अपने घर में जगह दी थी, ये इंसान ने उसके साथ मिलकर आपकी पिक्चर बनाई या फिर आपके घर में कैमरास लगाए या फिर आपकी वीडियोस बनाई या फिर आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड किया, ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। आपके बाथरूम में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, कमरों में हो सकता है, उनमें कोनों में हो सकता है। सभी के लिए नहीं है डेफिनेटली ये एनर्जीज। जो चीज़ें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। दे आर प्रोफेशनल, तो हो सकता है आप घर में नहीं थे तो किसी ना किसी प्रोफेशनल की इन्होंने मदद ली है। वैसे स्प्रिट अटैच करने के लिए तो किसी ना किसी की मदद लेनी ही होती है। जेमिनी एनर्जीज हैं, यानी कि ये कोई जेमिनी पर्सन हो सकता है एयर एलिमेंट का, मिथुन राशि का। आप या ये हो सकते हैं या ये दो तरफा इंसान बातें करता है या करती है। इस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली अभी नहीं है लेकिन जरूर रहा होगा। दिस कार्मिक ग्रुप ट्राइंग टू मेक यू मैड, पाइसिस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज, लियो और सजिटेरियस। मॉनिटरिंग स्प्रिट इज आर वॉचिंग योर लाइफ, कॉल्स, वॉक्स, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी लाइफ में आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कोई ना कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट जैसे कि मैंने कहा आपके साथ अटैच करने की कोशिश है ताकि आपके एनर्जीज को लगातार रीड किया जा सके या फिर आपके एनर्जीज को लगातार लीच किया जा सके। तो ये जो पाइसिस ग्रुप के अंदर लोग हैं, ये मीन है, तुला है, वृश्चिक है, मिथुन है, मेष, सिंह और धनु राशि के लोग हैं, या फिर ये इनका सन मून राइजिंग हो सकता है और ये आपका भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन जेमिनी तो दो बार आया है तो ये तो पक्का ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि इसमें किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ में या तो ये करने की कोशिश हो रही है या फिर ऐसा किया गया है, लेकिन उस थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें बहुत गलत क्रिएट की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नो इक्वल गिव एंड टेक, तो इस इंसान ने आपके साथ डेफिनेटली अच्छा बिहेवियर नहीं किया और इसलिए आपको इक्वल गिव और टेक मिले ही नहीं। ये इंसान आपकी स्पेस को, आपकी जगह को, आपके एनर्जीज को रिप्लेस करना चाहता है ताकि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको ना मिले और आपको वो मिले जिसको आप डिजर्व ही नहीं करते। इसलिए ये इंसान आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करके अपने आप को रोमांटिक पार्टनर दिखा रहा है और आपको या तो इसने दिखाया है या दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं प्यार की जगह से आता हूँ या आती हूँ, लेकिन इन रियल में आपकी एनर्जीज हैं गॉडेस की या गॉड की, प्यार करने वाली या फिर रिश्तों को समझने वाली। आपके ऊपर वो एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है जहाँ पर जब ये इंसान या तो आपको देखे या जब आप अपने आप को देखें या फिर आप इस तरह की फीलिंग्स या भावनाओं में रहें कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, अलग ही आपका व्यवहार हो जाए। और किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि अचानक ही आप भूत के वीडियोज़ देखने लग गए, ये इस तरह के वीडियोज़ देखने लग गए, तो ये अचानक नहीं होता है।
आपके ऊपर जब इस तरह की एनर्जीज आपके साथ अटैच करनी होती हैं, तो आपकी आपके सामने, चाहे आप फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे कोई भेज रहा है, या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऑनलाइन जिस भी चीज़ से आप रहते हैं, आपके सामने इस तरह के वीडियोस भेजे जाते हैं, ये अपने आप नहीं आते हैं। रैंडमली आपके सामने किसी भूत का वीडियो क्यों आएगा, लेकिन जब आपकी एनर्जीज में इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट होंगी, जो कि ये वाली हैं, सेक्स मैजिक वाली, रिचुअल्स वाली, या गंदी एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई होंगी, तो आपके सामने ऐसे वीडियोस आएंगे जहां पे आप इंटीमेट वीडियोस देख रहे होंगे, या फिर आप उसमें दिलचस्पी लेंगे, साफ सीधी सी बात है, या फिर आपके सामने भूत के वीडियोस आएंगे ताकि आप डर सकें और आपके साथ एनर्जीज अटैच की जा सके, या आपकी ऑरा को श्रिंक किया जा सके, ताकि आप डर के मारे अपनी एनर्जीज को सिकोड़ लें और आपको ट्रैप करना, आपको हावी आप पर होना आसान हो जाए। और ये कोई आदमी कर रहा है, ये इंसान आपके एनर्जीज में खुद को कैंडिडेट मानता है, या कोई औरत भी हो सकती है, लेकिन ये मेन कोई आदमी इस तरह की चीजें कर रहा है, ये इसे करवाई जा रही हैं। तो इसी इंसान के साथ जो भी गिव और टेक करने की इसने कोशिश की है, ये टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है। इस इन लोगों के लिए अलग रास्ता है, आप लोगों के लिए अलग रास्ता है, ये आपके रास्ते के रोड़े नहीं है, ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके पास से भटका सके, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी कोई रास्ता है नहीं। सोलर प्लेक्सिस पे अटैक कर रही है आपकी विल पावर को मैनिपुलेट करने की, आपकी विल पावर को मैनिपुलेट करने की, ताकि अगेन आपकी, क्योंकि यही एनर्जीज में आपका पहला कार्ड है, इसलिए ये मेन कार्ड है आपका, ताकि आपके एनर्जीज में इसको प्रोजेक्ट किया जा सके, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज को और आपकी विजडम को, आपके नेचर को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सके और आप उसके अगेंस्ट ना जा सकें। तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार में डालना जरूरी है। इसमें से आप जिस चीज में भी पड़ेंगे, वही चीज आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। और कार्ड नहीं लेंगे, बहुत सारे गिर गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक के स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट का कोई पर्सन है, इसमें स्पेल वर्क और इल्यूजन की एनर्जीज हैं, साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर भी शामिल हैं। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंशियल सक्सेस और हेल्थ, तो ये आपके ऊपर ये एनर्जी से लगातार प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज एंड अटैकिंग इन डार्क, तो ये इंसान लगातार, या तो ये मेल या फीमेल ही कह रहा है कि आपने इसके ऊपर, लगातार ये इंसान ये कह रहा है या कह रही है कि आपने इसके ऊपर या इसके बच्चे के ऊपर या किसी के बच्चे के ऊपर अटैक किया, आपने साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए या उसके साथ स्प्रिट के द्वारा अटैक किए, और कहानियां बनाकर ये आपके लिए कहानियां बना रहा है या बना रही है, और उसके बाद ये अंधेरों में, या फिर यूँ कह लीजिए चुपचाप, आपके ऊपर अटैक कर रहा है और कर रही है। यानी कि ये दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ, मैं सही कह रहा हूँ या कह रही हूँ, मेरे बच्चे पे अटैक किया गया या तुम्हारे बच्चे पे अटैक किया गया। तो ये कहानी बनाई किसी ने, मेरे बच्चे पे अटैक या तुम्हारे बच्चे पे अटैक वाली कहानी या तो किसी को बना के सुनाई या खुद किसी ने बनाई, और उसके बाद में ये इंसान आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या करवा रहा है या कर रही है या करवा रही है, ताकि आपकी लाइफ को हेल्प करना आसान हो जाए, या फिर जिस इंसान को ये कहानी सुना रहा है या सुना रही है उसके ऊपर आसान हो जाए। आई एम बाइंडिंग यू मंत्रा, ओके। इनसिक्योरिटीज ये आपके अंदर डालना चाहते हैं, आपको साउथ नोड के अंदर डालना चाहते हैं, आपके सेल्फ वर्थ की एनर्जीज खत्म हो जाए, आपकी हार्ट जो है आपका बाइंड हो जाए, आपके अंदर कोई पर्सनल पावर ना रहे और जो कुछ हो रहा है उसको आप देख ना पाए। ये आपकी एनर्जीज में करने की कोशिश काफी लॉन्ग टाइम से है, इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्शन। साथ ही साथ जिस और इंसान को ये बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी एनर्जीज के द्वारा, उस इंसान को ये उसके साउथ नोड में रखना चाहते हैं, ताकि वो इंसान अपनी वर्थ कभी ना देखे, उसके अंदर हमेशा ही इनसिक्योरिटी रहे कि मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी, ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, धेले भर का भी नहीं करता और करती। इस इंसान की पर्सनल पावर ये इन्होंने खत्म कर दी है बाइंड कर करके, और साथ ही साथ इस इंसान को पता ही नहीं है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। गॉड इज विद यू, यू विल नॉट फॉल फेल, तो ना आप फॉल होंगे, ना आप गिरेंगे, ना ही आप फेल होंगे। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। फैमिली बहुत ही छोटी सी रीडिंग दी है, वैसे आज मैं रीडिंग पोस्ट नहीं करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा आपको कुछ नहीं से तो कुछ होना वाला है, इसलिए रीडिंग दे दी है। तो इन्जॉय कीजिएगा, बड़ी रीडिंग आएगी बाद में, एक दो दिन ऐसी ही मैसेजेस मैं आपको देने वाली हूँ ताकि ज्यादा दे सकूँ। वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।